क्षीर सागर के चित्रों में कभी विष्णु जी लेटे हुए हैं, कभी बैठे हैं, कभी आधे बैठे हैं, लेटे होते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु हैं, वो नियंता हैं विश्व के, इस सराचर जगत को संचालित कर रहे हैं। वो चैतन्य अवस्था का एक रूप है, वो कोई लेटे रहने वाली बात नहीं है। वो पद्म नाम मुद्रा की बात आप कर रही हैं। जो पद्म नाम मुद्रा है वो चैतन्य स्वरूप की है, वो परम पुरुष की मुद्रा है। और परम पुरुष में जो माता लक्ष्मी हैं, महालक्ष्मी, उनके चरण दबा रही हैं। अब जो हाथ होते हैं स्त्री के, स्त्री के हाथों में और उसके कपोलों पर, गालों पर लक्ष्मी का वास होता है। स्त्री के हाथों में और उसके गालों में लक्ष्मी होती है साक्षात। पुरुष के पैरों में शनि का वास होता है। कोई भी व्यक्ति कभी भी वृद्ध जब भी होगा, वो पैरों से वृद्ध होता है। शनि का आगमन पैरों से ही होता है। जब भी कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है, जीर्ण होता है, बीमार होता है, पैरों से होना शुरू होता है, बाकी किसी अंग से नहीं होता। लक्ष्मी जब पैरों को चुनती हैं तो शुक्र का वरण होता है शनि के साथ, शुक्र का संबंध बन रहा होता है शनि के साथ। शुक्र और शनि की कुछ विशिष्ट युतियां जिनमें बुद्धि और मन का मत एक हो जाए, वो बहुत सारे आर्थिक प्रभावों को उत्पन्न कर देता है। और आपको मैं एक टोटका बताता हूँ, जो जरूरग्रस्त जीवन के लोग ग्रस्त जीवन में हैं, जो पति पत्नी के रूप में हैं या साथ में हैं, वो उनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय ये है कि उनकी पत्नियां 5 मिनट ही सही अपने पतियों के पैर जरूर दबाएं शाम को, निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से, और आप देखेंगे घर में लक्ष्मी का आगमन होना प्रारंभ हो गया है। क्योंकि पैर भी कोई स्त्री जब दबाएगी तो घर में मल का, मन का मालिन्य समाप्त होगा तभी दबा सकती है। घर में कलह कलेश नहीं होगा तभी वो चीज हो सकती है। घर में किसी प्रकार का मन मुटाव नहीं होगा, कोई एक दूसरे के प्रति निष्प्रह स्पर्धा नहीं होगी, कोई अतिशयता के साथ बैर नहीं होगा, दिलों में एक दूसरे के प्रति कटुता नहीं होगी, तो ये जैसे ही ये अवगुण दूर होते हैं आप उस मुद्रा में आते हैं, और उस मुद्रा में आते ही आपके घर में बरकत और समृद्धि होनी स्वाभाविक रूप से प्रारंभ हो जाती है। तो भगवान विष्णु इस बात को पूछते हैं, तो वो पूछते हैं कि ये मुद्रा, जो क्षीर सागर की मुद्रा जैसे नेहा ने पूछा, ये इसका क्या अभिप्राय है? तो वो कहते हैं कि इस जीव जगत में इस जीवन को संचालित करने के लिए व्यक्तियों को पदार्थों की आवश्यकता होगी, परमात्मा तक पहुंचने के लिए भी साधनों की जरूरत होगी। वो साधन लक्ष्मी के बिना पहुंचे, बिना गए, बिना प्राप्त किए असंभव है, इसलिए इसको इस तरह से जोड़ा गया। आर्याम अभयाम बायाम भजे रे रे ची जय रे।